हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू फाइनेंस मार्केट, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में मैं आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहूँगा फिर से, क्योंकि अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, तो इसके ऊपर नज़र बना के रखना हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे इसका स्टेटस जो है आज के दिन यानी 15 जुलाई 2020 10:12 हो रहे हैं, वेनेसडे का दिन है, और आपको मैं स्टेटस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले आपसे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि डीमैट अकाउंट अगर किसी दोस्त को आपके ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करें, आप शॉप के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाए। तो आइए बात करते हैं VIL के बारे में। दोस्तों, VIL लास्ट इसकी क्लोजिंग प्राइस 9.35 है, आज ये ओपन होता है 9.20 पे, वहां से लो बनाता 9.05 का और हाई बनाता 9.35 का, और 52 वीक लो 2.4 है और 52 वीक हाई है 12.6। लोअर सर्किट आज के लिए लगा था 8.45 का और अपर सर्किट 10.25 का लगा था। वहीं अगर अभी की बात करें तो 9.15 पे करंटली ट्रेड हो रहा है, जो कि -2.14% है नीचे, यानी 2.14% डाउन देन लास्ट क्लोजिंग प्राइस। करंटली टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 102.2 मिलियन, इंडियन सिस्टम में अगर कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊं तो 11 करोड़ 22 लाख 16,117, जो कि चेंज होके कुछ और हो गया। मार्केट कैप की अगर हम बात करें दोस्तों तो 26,292.88 करोड़, जी हाँ, ये NSE के ऊपर का डेटा है, और वहीं पे फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10.00 है। बीटा अगर आप चेक करेंगे 1.00 है। इंडस्ट्री का PE रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो 2.17 है। वहीं पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 33.05% की डिलीवरी उठाई गई है। बुक वैल्यू 3.13 है। प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखेंगे 2.91 है। और इसके अलावा टेक्निकल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल है दोस्तों, इसको टेक्निकल ट्रेंड पे न्यूट्रल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा रिटर्न परसेंट की अगर हम बात करें तो एक हफ्ते के अंदर -2.67% का रिटर्न दिया है, एक महीने के अंदर -6.15% का दिया है, तीन महीने का 123.17% है, सिक्स मंथ्स का 88.66% है, वन ईयर का -22.13% है। ओके, नाउ अगर हम बात करें स्टेक होल्डिंग पैटर्न की तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मार्च 2020 के क्वार्टर में प्रमोटर्स के पास जो स्टेक है 72.05% है, जो कि 0% प्लेस्ड है जिसका, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। वहीं पे FIIs और FPIs की बात करें तो 8.82% की स्टेक रखते हैं। वहीं पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके पास स्टेक है 8.65%, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास 0.13% है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 1.34% है, म्यूचुअल फंड्स के पास 4.52% है और अदर DIIs के पास 2.66% है। वहीं पे अदर कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स की बात करें तो मार्च 2020 के क्वार्टर में 10.48% की स्टेक लोगों की बढ़ करके हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की भी स्टेक 4.52% है, जो कि एक कंसिडरेबल अमाउंट है। वहीं पे जून 2019 का अगर आप डेटा चेक करेंगे तो 71.57% की स्टेक थी आपके प्रमोटर्स के पास, जिसका 0% प्लस था। 15.67% की स्टेक थी FIIs और FPIs की। वहीं पे 10.66% की स्टेक थी DIIs की और 2.08% थी अदर कैटेगरी वालों के पास। हालांकि जून 2019 के क्वार्टर में 5.88% की स्टेक थी म्यूचुअल फंड्स के पास। वहीं पे अगर हम बात करें मई 2019 की, जिसमें 0% प्लेज है यहाँ पे भी और प्रमोटर्स के पास टोटल स्टेक है 71.57%,
की बात करें तो 9.88% है, वहीं FIIs और FPIs की बात करेंगे तो 16.63% है, वहीं 1.92% स्टेक के साथ अदर कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स हैं। मार्च 2019 के क्वार्टर की अगर आप बात करेंगे तो 71.33% स्टेक थी आपके प्रमोटर्स के पास, जिसका 0% प्लस था। 13.13% की स्टेक थी FIIs एंड FPIs के पास, और 13.61% की स्टेक थी यहाँ पे DIIs के पास, और 1.93% की स्टेक थी अदर कैटेगरी वाले लोगों के पास। हालांकि यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स की जो स्टेक है मार्च 2019 के अंदर 3.07% थी, उसके नेक्स्ट क्वार्टर यानी मई 2019 में 5.08% हो जाती है, उसके आगे वाले क्वार्टर यानी जून 2019 में 5.88% हो जाती है, और इस बार घट करके 4.52% हो चुकी है यानी मार्च 2020 के क्वार्टर में। अब मार्च 2020 के बाद ये तो क्वार्टर ईयर निकल गया, अब जो नेक्स्ट जो क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 स्टार्ट होगा, अभी उसका डेटा यहाँ अपडेटेड नहीं है, अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। वहीं पे BSE पे अगर आप चेक करेंगे तो BSE पे 53% लोग सेलिंग क्वांटिटीज़ के लिए लगे हैं और 47% बाइंग क्वांटिटी है, यानी 95.02 लाख टोटल बाइंग क्वांटिटी लगी है और 105.48 लाख टोटल सेल क्वांटिटीज़ लगी हुई हैं। अब टेक्निकल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों, टेक्निकल्स में हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट और मूविंग एवरेजेस को। दोस्तों टेक्निकल रेटिंग के अंदर हम लोग टेक्निकल रेटिंग तो इसकी न्यूट्रल है, मैंने आपको पहले बताया, उसके अलावा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए या बता देता हूँ, 5 डेज का मूविंग एवरेज इसका 9.48 है जिसके ऊपर ये काफ़ी बेरिश है। 10 डेज के मूविंग एवरेज की बात करें तो 9.61 है जिसके ऊपर भी ये बेरिश है। 20 डेज के मूविंग एवरेज की बात करें तो 9.86 है जिसके ऊपर बेरिश है। 50 डेज के मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो 8.16 है जिसके ऊपर काफ़ी बुलिश है, और 100 डेज की मूविंग एवरेज 5.98 है जो कि उसके ऊपर भी काफ़ी बुलिश है, और 200 डेज की मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो वो है दोस्तों 5.81 जिसके ऊपर भी काफ़ी ये बुलिश है। ओके नाउ अगर हम बात करें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की तो अभी ये करंटली 9.45 के अराउंड मतलब फ्लोट कर रहा है जो कि इसका पिवोटेड पॉइंट है। वहाँ से अगर ये नीचे गिरता है तो इन दैट सिचुएशन इसको सपोर्ट 1 जो है 9.20 पर मिलेगा जो कि लगभग मिल भी रहा है, लग रहा है ऐसा। सपोर्ट 2 जो है 9.05 पे और सपोर्ट 3 जो है 8.80 पे लगा है। रेजिस्टेंस इसको फर्स्ट जो फेस करना पड़ेगा इफ़ इन केस इट मूव्स अपवर्ड 9.60, एंड रेजिस्टेंस लेवल 2 इसको जो फेस करना पड़ेगा 9.85 का है, और रेजिस्टेंस लेवल 3 इसको जो फेस करना पड़ेगा वो 10.00 का है। ओके अब बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट हियरिंग की। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 20 जुलाई को स्केड्यूल करी गई है, ये डेट आ चुकी है, ये कल ही आई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट टू हियर AGR केस ऑन 20th जुलाई। तो यहाँ पे 20th जुलाई को काफ़ी ज़्यादा आपको अलर्ट रहना होगा। और दोस्तों देखिए ये पूरी आर्टिकल मैं आपको नहीं पढ़ के सुनाना चाहूँगा, क्योंकि पूरी आर्टिकल का कंक्लूजन मुझे पता है, वो मैं आपको अपने मन से बता देता हूँ। दोस्तों एनी हाउ बोला VIL को उम्मीद है कि सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, क्योंकि VIL भी अपने सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्देश डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अपने को प्रिपेयर करके रखा हुआ है, और जितना अपफ्रंट पेमेंट हो सकती है उसको करने में VIL कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप देखिए किसी भी कंपनी की या किसी भी चीज़ की जितनी जिसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से बाहर जा कर के तो कोई नहीं कर सकता ना, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट को यही बात समझनी चाहिए और उम्मीद है कि वो समझेगा। पॉजिटिवली हम लोग अगर देखें तो उम्मीद है ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम दे दे। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस यही थी कि वो एक तरीके से कॉन्फिडेंट होना चाहता है कि जो इनकी पेमेंट प्लान्स हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग ये बोनाफाइड शो करें, मतलब अपने आप को ये शो करें कि वो अपने दिए हुए वादे से कभी पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि पूरा का पूरा पेमेंट
क्रेडिट नहीं हो जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट में, समझ रहे हैं। तो इसके लिए ये एक सॉलिड प्रूफ चाहिए इनको, एंड प्रूफ के तौर पे इन्होंने कहा था कि आप अपनी बैंक गारंटीज या कुछ ऐसे एक रोड मैप बताओ कि आप अपने पेमेंट को कैसे करोगे, और उसके लिए एक हमें प्रूफ दो, सिक्योरिटी दो, और लास्ट के 10 ईयर्स का आप रिकॉर्ड्स दिखाओ, जो भी आपने रिवेन्यू अर्न किए हैं और जितना भी आपने टैक्सेस पे किए हैं गवर्नमेंट को, वो सब कुछ आप लास्ट के 10 ईयर्स का रिकॉर्ड चेक कराओ। ये सारी चीज़ें करनी थी और देखते हैं क्या होता है। कोर्ट ने सारी चीज़ें देख लिया है और अब AGR को अगली सुनवाई 20 जुलाई का फैसला, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैसला दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट हियरिंग है, और यहाँ से अगर फाइनलाइज हो जाता है और फेवर में अगर हम लोगों के आ जाता है डिसीजन, उस केस में होगा ये कि ये ऊपर की तरफ धीरे 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 हेड करेगा। एंड इसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी, अगर ये पॉजिटिवली सब कुछ चला जाता है इन दैट सिचुएशन, एक नेक्स्ट मीटिंग होगी जिसमें भारती इंफ्राटेल एंड इंडस टावर के बीच की जो डील थी, मैंने आपको बताया था, वो डील पोस्टपोन हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस, है ना, इसी की वजह से वो पोस्टपोन होती रही। तो वो भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट डील है और जिससे कुछ VIL को कुछ स्टेक अपना मोनेटाइज करके मिलेगा, तो वो इसको मदद करेगा AGR अमाउंट को कहीं ना कहीं पे करने में, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 20 जुलाई का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, और हम सबको उम्मीद है कि ये पॉजिटिव आएगा। तो बस आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माय टॉक्स राइट हियर गाइस। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव अ थम्स अप एंड टेक केयर। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।